हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो जी, तो पेमेंट को बताइए, पेमेंट भी करो आप। कौन सी पेमेंट? पेमेंट भी करो सर आप। कौन सी पेमेंट? सर पर्सनल लोन की पेमेंट आपको नहीं पता क्या? पर्सनल लोन आपके पास लिया था। पर्सनल लोन ना, एक जो जिसको तुम पर्सनल लोन कह रही हो, प्रोडक्ट का नाम है कि पर्सनल लोन दिया है, तो वो किससे लिया उसका नाम लो ना। नहीं, मैं भूल गया। मैं प्रोडक्ट का नाम बताया ना, भूल गया। एक काम करो, लोन नंबर बता दो। लोन नंबर बता दो। क्या बता दो? लोन नंबर। तुझे नहीं पता? क्या बोला? तुझे नहीं पता क्या? नहीं, मुझे ये पता है तुम्हारी कैसे लेनी है। नहीं, मुझे तेरी लेने की पता है कैसे लेनी है। हेलो, आवाज तो तेरी ऐसी आ रही है एकदम, ऐसा मुंह में किसी ने अभी अभी दिया। आवाज तो ढंग से निकाल ले। आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है, बड़ी प्यारी आवाज है। लेकिन ये ऐसे रेडियो वाले काम क्यों करती है तू? फिर से आवाज नहीं आ रही। कहाँ दबदबा के बोल रही है? पीछे से कोई ले रहा है क्या? टीएल ले रहा है क्या? वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना, उससे पूछ ले जाके। उसकी तो मैंने बहुत बार ली है, यहाँ पे कॉन्डम उसे पसंद है चॉकलेटी फ्लेवर का, तो वो ले रहा हूँ। कई बार स्ट्रॉबेरी और क्या बोलते हैं उसको यार, चॉकलेटी बहुत पसंद है उसको, कॉन्डम तो कई बार लेके गए। तू क्या कर रही है वहाँ पे? मक्खियाँ मार रही है? साले कम से कम काम को कर रही है, नल्ले काम कर रही है तू। टीएल को दे रही है और मैनेजर को काम है? ऐसा तो तेरे जैसे काम तो कोई भी अब तेल चढ़ाई पे बैठ जाए तो ही कर लेगा। ये कोई काम है? एक बात बताना, जब तेरे को औकात नहीं भरने की, तू खड़ा मत हो, तू खड़ा मत हो। अब इसकी जब ये सामने आके नंगी होगी तब खड़ा हुई है तू, अभी तुझे खड़ा नहीं होना। बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, तेरी बारी। आराम से, आराम से दीजिए। हाय हाय, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। जो ये तेरी जो गालियां है ना, बड़ी मीठी मीठी है। एक दो और नहीं बकना, कुछ यूनिक बोली। आराम का बीज, आराम और एक रंडी का बीज है, तो सुन सुन के बोर हो गया। कुछ नया है? भाई है ना पागल तू, भाई इसके लिए नई गाली छूटी नहीं। नई गाली क्यों? मजा ही नहीं आता इस गाली में। इस पर कई बार बेइज्जत हो चुका हूँ, इसमें मजा नहीं आता। कुछ नए तरीके से बेइज्जती कर। मैं एक काम कर, मुझे जो है ना, मुझे बेइज्जत करने के लिए एक काम कर, मेरे घर पे आ जा। नंगी हो गए यहाँ पे लेट जाइए और कह दियो, देख तेरे सामने इतनी खूबसूरत लड़की है, तेरा खड़ा नहीं हो रहा। फिर मुझे कुछ बेइज्जती फील होगी, फिर मैं कुछ अपने घोड़े को चलाऊंगा वहाँ पे। मुझे कुछ लगेगा यार, बताओ ऐसे चैलेंज कर दिया, खड़ा नहीं हो रहा यहाँ पे, फिर मैं आगे को अपने घोड़े का इस्तेमाल करूंगा। नहीं, तेरी मम्मी की नहीं, क्या बूढ़ी हो गई ना वो, उनके एक तो दूध भी सूख गए। अब क्या मैं मौसमी में से क्या रसा निकालूं? जिस मौसमी का पहले रसा निकाल लिया तेरे बाप ने, अंकल ने पहले रसा निकाल के उसको कमजोर कर दिया, तो उसमें से क्या निकालूं? अब क्या बचा होगा मेरे लिए? बहुत ही शानदार ओपनिंग करी है। कुछ बोलना है? इतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ। अरे कुछ तो बोल, कुछ बोल। हेलो, क्या हो गया? कुछ बोलना, तेरी आवाज कट रही है, थोड़ा क्लियर एरिया में। तेरी आऊ वाली आवाज सुननी है मुझे, क्लियर एरिया में थोड़ा। मुंह नहीं खुल रहा अब तो इसका, क्या बात है? अरे कछु बोल दो मैडम, कछु बोल दो, क्या बात है, बोल ही ना रही। हेलो जी, नमस्कार सर, अरुण जी बात कर रहे हैं। कर रहे हैं, बताइए। मैं कोटा से दीपिका बात कर रही थी सर। बताइए दीपिका जी। सर आपको पेमेंट ड्यू कर रही ना कार्ड की, 6 लाख ये 40,000, फिर क्या दिक्कत आ गई पेमेंट नहीं करा के आपने टाइम से? दिक्कत कुछ नहीं आई मैडम, दिक्कत क्यों आती? पेमेंट होल्ड कर ली सर, क्या हो गया? हाँ, पेमेंट मैडम दिल नहीं कर रहा देने का।
सर इतना मतलब इतना यूज करने के बाद दिल क्यों नहीं कर रहा आपको अभी, ये तो दिल से ही पूछना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मतलब सर मतलब मुझे ये तो बताइए कि दिल में कुछ होता नहीं क्या, किसका खाया है? नाम 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 क्या आपका, नाम क्या है? सर बस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आपने सुनी हो मेरी तो दोबारा बता दो, बुरा लग रहा है दोबारा बताने में। हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर। डिस्कनेक्ट कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, वो तो दोबारा मिल जाएगा सर। कोई नहीं, दोबारा लड़की दोबारा बताएगी ना नाम, तुमसे बताया नहीं जा रहा, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है तुम दोबारा बता सको। सर पेमेंट की बता दो, पहले तुम अपना इतना लेवल बनाओ कि तुम नाम दोबारा बता सको। ठीक है, डर डर के तो जी रही है, उसमें क्या कैसे काम चलेगा? कैसे सर? नहीं मैं नहीं डर रही, ठीक है मैं नहीं डर रही, मैंने स्टार्टिंग में नाम तो बता दो, ठीक है? कौन सा बैंक है, क्यों कांटेक्ट का नहीं बताया? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या तुमने बैंक का नाम सुना है? नाम क्या है? ऐसा है मेरे को सुनाई कम दे रहा है आजकल, मेरे कान में दिक्कत आ रही है। वो बैंक कॉल आ रही होगी ना बैंकों से, तो सुनाई कम, कानों से फोन निकल गया मेरे। हाँ तो कानों में कर लो, प्यारा सा नाम तो बता दो, कैसे गुस्सा हो रही है? मैंने बैंक का नाम बता दिया तो पता ही लग गया होगा ना कहाँ से कॉल आ रही है, किसकी कॉल आ रही है। बैंक का नाम नहीं, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, बैंक या तेल लेने, तुम्हारा नाम बताओ। अच्छा अगर मैंने अपना नाम बता दिया तो आप पेमेंट की बता दोगे? हाँ बता दूंगा पेमेंट की। कब तक करोगे? पहले नाम बताओ फिर बताऊंगा ना। चलो मेरा नाम दीपिका है, बताइए। हाय हाय, दोबारा सुनने में इतना अच्छा लगा ना, दिल खुश हो गया। हाँ अब ये ना मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है? मैं बताया था, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाहता था, एक बार सुन लो। अच्छी है ना, पेमेंट की बता दीजिए। बता रहा हूँ इतनी जल्दी क्या, बता रहा हूँ अच्छा लगता है दीपिका तुम्हारे मुँह से। पेमेंट का कुछ नहीं है, DRA कराया तुमने? मेरी DRA की चाहिए आपको है? नहीं चाहिए, नहीं किया है, नहीं ये जानना है बस। हाँ किया। तो उसमें एक NITP कोड होता है? आप मेरे को सर पेमेंट की बताइए, इतनी सारी जानकारी तो बता रहा हूँ। NITP कोड होता है वो लगा तो। सर आप मेरी पर्सनल टॉप छोड़िए, आप अपनी दीपिका, वो पर्सनल नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ, वो प्रोफेशनल है, समझ नहीं चाहती। आप मेरी पेमेंट की बता रहे हैं कि तुम्हारी पेमेंट, तुम्हारी पेमेंट तुम लेने आ जाओ घर पे, दे देता हूँ। सर आप ना अपने कार्ड पे करें और ये बताइए कब तक करेंगे? फालतू बता तो रहा हूँ दीपिका, तुम सुनना ही नहीं चाहती। बकवास बकवास मत करिए, फालतू बकवास मत करिए। बोलने तो दोगी तभी तो सुन लोगी, बिना बोले सुन लोगी? मन की बात जान लेती है क्या? अरे बोलने ही नहीं दे रही फालतू को, मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी। तो पेमेंट की ये है कि, सुन रही हो? हेलो आगे। हाँ पेमेंट की ये है, पेमेंट का ना एक कोड होता है NITP, वो लगा दो इस पे, ठीक है? सर वो मुझे नहीं पता कैसे लगता है, मेरे को ये जरूर पता कि रिमार्क कॉल करके पेमेंट का नहीं पता है सर। रिमार्क मैं आके सिखा दूं एजेंसी में, आप अपने कार्ड में कर दो ना सर पेमेंट। नहीं एजेंसी में आके बता दो रिमार्क कैसे डालते हैं। एक काम करो फोन पे अपना कार्ड नंबर डाल के जितना पेमेंट हो रही है सारी कर दो ना। तुम्हें NITP क्यों बोल रहा हूँ? NITP फिर ऐसे ही बोल रहा हूँ फालतू। सुनाई दे रहा है? सुनाई तो दे रहा है, बहुत प्यारी आवाज है सर। पहले तमीज में बात करो। तमीज में अभी तो कोई बदतमीजी करी नहीं है सर, अभी तो बहुत धीरे बात हो रही है, राज में हल्के धीरे बात कर रही हूँ। तो हाँ तो रही है, बोलो ना, बड़ी प्यारी आवाज कह तो दिया। हेलो गुड इवनिंग, कैन आई स्पीक टू मिस्टर अजय तिवारी? हाँ जी, अजय तिवारी जी से बात हो रही है। मैं यामिनी बात कर रही हूँ, क्रेडिट के वास्ते रिकॉर्डेड लाइन पे सर। हाँ जी बताएं, पेमेंट कब तक हो जाएगी सर? 4 लोन पेंडिंग चल रहे हैं आपके। पेमेंट कब तक हो जाएगी? जब तक पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नहीं आते तब तक नहीं होगी। ओके। तो ऐसा कुछ लोन लेने से पहले एग्रीमेंट हुआ था सर आपका? अब लिख के दे दूं, साइन करके दे दूं कागज पे? अब तो लोन ले लिया आपने, अब तो क्या होगी, अब लिख के दे देता हूँ। बताएं पेमेंट कब तक हो जाएगी? 5 महीने होगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने तो पूरे भारत में फिर देते हैं, उससे पहले पेमेंट नहीं कराएंगे आप? नहीं उससे पहले नहीं कराऊंगा। क्या रीजन है सर? रीजन ये है कि उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपना पैसा। तो हमसे पूछ के थोड़ी क्या था सर उसमें? तो मैं कब कह रहा हूँ आपसे पूछ के क्या था, मेरी मर्जी, मतलब मर्जी नहीं लेकिन मेरा पैसा जब आएगा तभी तो दूंगा। वो क्या है ना, उसका क्या नाम है, वो कुणाल कुमार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, उसमें इन्वेस्ट किया। कुणाल कुमार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, कंपनी का। अच्छा
ठीक है, तो आप जेन्युइन रीजन भी बताएं कि क्या रीजन है पेमेंट नहीं करा रहे सर। जेन्युइन ही तो बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट टू माय ऑल मनी, आपके लिए इन्वेस्ट टू माय ऑल मनी, हमारे लिए जेन्युइन नहीं है, आपके लिए जेन्युइन नहीं है। आज लग गई मैडम ये बात सुन के ना मेरे दिल में चोट लग गई, आपके लिए जेन्युइन नहीं है जी सर, क्योंकि 5 महीने हो गए पेमेंट नहीं कराई आपने। क्या नाम बताया था आपने अपना? यामिनी। यामिनी तो यामिनी नहीं सर, यामिनी। यामिनी, अच्छा अच्छा, मतलब आपका नाम यास्मिन अच्छा होता आपके ऊपर। ठीक है, अब आप बताएं तो यास्मिन कह के बुला लो स्टूडेंट में। नहीं सर। अरे यार, तो यामिनी जी बताते थे आपको रीजन, पूरे भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रिलीज हो जाने से उसके बाद करते हैं। ठीक है सर, अगर आप पेमेंट नहीं कराएंगे तो मे भी हो सकता है कि आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। लीगल FOS घर पे आएंगे। जी जी जी, कोई नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे सर आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। एक बात पूछूं? हाँ जी बताएं। आपने DRA कराया? कराया सर। अच्छा, तो मेरे को एक छोटी सी चीज जाननी है आपसे। जी, FOS की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको पेमेंट नहीं करानी है ना, आप साफ सीधा मना करो। मैडम बता दो, नॉलेज के लिए जानना है, उसमें बता नहीं सकते आप मेरे को। आप गूगल कर लिया सर, गूगल में बता दी तो नहीं है। मैं वही तो कर रही हूँ, आप गूगल कर ले। आप साफ सीधी बात बोलेंगे मेरे को पेमेंट नहीं करानी है, इंटेंशन इस पर मैं खत्म करती हूँ कॉल। मैडम मुझे किसी ने बताया नहीं है FOS की फुल फॉर्म अभी तक। कोई बात नहीं सर, आप गूगल कर ले, मेरे को नहीं आती, सॉरी। ओ, आपने DRA ढंग से नहीं पढ़ा। हाँ सर। कितने नंबर आए थे आपके? जी कितने नंबर आए थे DRA में? जितने भी आए थे सर, बैठी हूँ संभाव यहाँ पे। मैडम मेरे आए थे कुछ ऐसे 85 नंबर। ठीक है सर, वेरी गुड, तब भी आप डिफॉल्ट करके बैठे हैं तो क्या हो गया, फायदा नहीं लूंगा अपनी नॉलेज का? वही तो कह रही, तब भी आप डिफॉल्ट करके बैठे, फायदा। थैंक यू, फायदा ले रहा हूँ। आपका इंटेंशन है सर, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती। बहस थोड़ी कर रहा हूँ मैं, तो बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है सर, बट मेरे को बात नहीं करनी है। मैडम वैसे एक बात बोलूं? जी बताएं। सामने से क्या? जब आपने पेमेंट ही नहीं करानी सर। मैडम मैं जिसके सामने भी अपने आपको बताया ना, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रहा है कुणाल कुमार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड में। जी जी, जिसको भी बताता हूँ वो चला ही जाता है, पता नहीं क्यों। वो ये नहीं कहता कि सर अच्छा आपने इन्वेस्ट किया, वो कहता है इंटेंशन है आपका, फिर चला जाता है। ऐसा क्यों है पता नहीं सर, कुछ तो रीजन होगा। आपकी बातों से ही पता चल रहा है सर। क्या पता चल रहा है? आपके पास बहुत टाइम है ये सारी चीजें पूछने के लिए ना, बट हमारे पास नहीं है। हमारे पास आपके जैसे बहुत सारे कस्टमर हैं। मैंने तो ये सुना था कि एजेंट बहुत खाली होते हैं, मक्खी मारते हैं एजेंसियों में। सर नहीं, बट ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पास बहुत सारा काम होता है सर। मैडम मुझे भी जॉब दिलवा दो, मैं भी DRA हूँ। सर कोई बात नहीं, फिर भी आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हो पहले। तो मैं जॉब दिलवा दो फिर कर दूंगा पक्का। मैं कहती हूँ कि आप पेमेंट ही नहीं कर पा रहे, आपको जॉब कहाँ से मिलेगी? दिलवा दो फिर कर दूंगा ना। नहीं सर, कोई वैकेंसी वगैरह नहीं है, आप अपनी खुद जॉब ढूंढें प्लीज मैडम। नहीं हो, मैं जो है ना पहले एक एजेंसी में करता था। सर 85 नंबर ला के भी जब आप जॉब लेस हो, मैं अगर फेल भी हुई तो भी मेरी नौकरी है। अच्छा जी, फेल लोगों को तो रखते ही नहीं है, बाकी 85 नंबर लाया तो था मैं। लेकिन एक बात बोलूं आपको जी, मैं जो है ना DRA बंदों को ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ। ओके, फिर क्या ही फायदा हुआ सर उससे भी? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, जॉब नहीं, आपको मेरा काम पता चल गया तो आपको भी सर ऐसा काम मुझे भी मिल जाए। ठीक है सर, आप फिर वही काम आप ही करो। पता है मैं पता है क्या क्या कर सकता हूँ? बढ़िया चल रही है सर। मैं पता है क्या क्या कर सकता हूँ? आप फिलहाल पेमेंट नहीं करा सकते, मुझे वो पता है। अच्छा, इतना कुछ मैडम इतना भी पता मत रखा करो, दिल पे चोट लगती है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। ओके मैडम, सेम टू यू। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।